चुनाव आयोग ने अभी सारी बातें हमारी सुनी, पूरा ब्रीफ किया कि गुजरात में किस तरह की इमरजेंसी अचानक खड़ी हो गई है। एक कैंडिडेट जो कल सुबह तक अपनी स्क्रूटनी की अपने नॉमिनेशन के लिए लड़ रहा था कि मैं आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट हूं, मैं आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहता हूं, बीजेपी वाले खड़े होकर वहां उस पर दबाव डाल रहे थे कि आप मत लड़ो, फिर भी वो कह रहा था मैं लड़ूंगा। बीजेपी वालों ने उसके नॉमिनेशन में कमियां निकालने की कोशिश की, उसने पूरा जस्टिफाई किया कि नहीं मैं लड़ूंगा, मैं कैंडिडेट हूं, लेकिन आरओ के ऑफिस से बाहर निकलते ही वो गायब हो जाता है और 24 घंटे बाद पूरा पुलिस उसको कहीं से लेके आती है और आरओ के कमरे में बिठाती है, वहां से उसका नॉमिनेशन वापस कराया जाता है और उसके बाद से फिर वो गायब है। तो ये मुझे लगता है कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 24 घंटे के अंदर कोई आदमी जो लड़ लड़ के कह रहा था कि मुझे चुनाव लड़ना है और भारतीय जनता पार्टी उसके लड़ने का विरोध कर रही थी, अचानक वो गायब होता है, किडनैप होता है और फिर पुलिस के बीच में उसको लाया जाता है, फिर वो वापस लेके अपना नॉमिनेशन फिर से आता है। हमें अपने उस कैंडिडेट की भी व्यक्तिगत रूप से चिंता है सबको, और साथ साथ ये भी सवाल है कि अगर कैंडिडेट्स को भारतीय जनता पार्टी किडनैप कराएगी, भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव हार रही है तो कैंडिडेट्स को किडनैप करा के चुनाव जीतना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव की पूरी संस्था को खत्म करना चाहती है कि जो भी हमारे सामने लड़ेगा और जिसमें भी जीतने की क्षमता होगी हम उसको कैंडिडेट को एबडक्ट उसको किडनैप कर लेंगे, तो ये एक बहुत गलत मैसेज जा रहा है। हमने इलेक्शन कमीशन से दोनों रिक्वेस्ट किए हैं कि एक तो पूरे मामले की इंक्वायरी कराई जाए कि आखिरकार वो आदमी हमारे कैंडिडेट कंचन जी गए कहां थे, उनको कौन ले गया था, जो लोग ले गए थे वो उनको किडनैप करके ले गए थे तो कहां रखा उन्होंने किडनैप करके, फिर पुलिस कहां से लेके आई उनको और अब कहां चले गए वापस, उनको वापस से वो बीजेपी के गुंडे कहां लेके गए हैं क्योंकि उनकी जान को भी खतरा है। तो एक मिनट, तो हमने उनसे कहा है कि आप थोरो इंक्वायरी करिए इसकी, साथ साथ तब तक उस पर्टिकुलर सीट पे सूरत ईस्ट पर इलेक्शन प्रोसेस को होल्ड कर दीजिए और अगर इंक्वायरी में ये सब चीजें पाई जाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह से गलत कर रही थी तो पूरा रिशेड्यूल करिए वहां के एक सीट के इलेक्शन को, ये हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है। मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन अपनी पुरानी परंपरा को निभाते हुए कि भारतीय लोकतंत्र में इलेक्शन की प्रोसेस को मजबूत किया है, काफी हद तक साफ सुथरा किया है, उसको निभाते हुए आज इस अभूतपूर्व मामले पर उतनी ही सख्त कार्रवाई करेगा जितनी की इसमें जरूरत है। वजह साफ है कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात का चुनाव बहुत बुरी तरह से हार रही है। 27 साल के इनके पूरे गुजरात के मॉडल को, गुजरात में इनके भारतीय जनता पार्टी के मॉडल को देख के, भारतीय जनता पार्टी के शासन को देख के गुजरात के लोग दुखी हैं। उधर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के काम को देख के लोगों को लग रहा है गुजरात में भी ऐसा होना चाहिए, इसलिए इन्होंने इस तरह की हरकत की ताकि अरविंद केजरीवाल जी के जो टीम वहां खड़ी की है उन्होंने उसको चुनाव से ठीक पहले इस तरह की हरकतें करके। घर वालों से कोई बातचीत हुई है सर? किसी से बातचीत नहीं हो रही, घर वाले भी गायब हैं, कल से घर वाले भी गायब हैं। ईसीआई की तरफ से हमें अश्योर किया गया कि इलेक्शन कमीशन ने हमेशा इलेक्शन प्रोसेस को मजबूत करने का काम किया है, वो पूरी इंक्वायरी करेंगे इसकी। हमने राज्य चुनाव आयोग को भी दिया हुआ है, यहाँ भी दिया है, हमने लिखित शिकायत भी भेजी है, तो इन सब पे तुरंत एक्शन लेंगे वो, इंक्वायरी करेंगे और हमारी जो रिक्वेस्ट है उसको भी कंसीडर करने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया।